स्वतंत्र यस, इसका क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया था, राइट? तो आज यस ओके, वो क्वेश्चन मैंने वो नोट्स भी सेंड किया था, आई होप ऑल ऑफ यू कॉपीड दैट. यस मैम, आई कॉपीड. मैम आई वांट टू कॉपी दैट. ओके, देन डू वन थिंग टुडे इट्स अ कॉपी. यस नोट्स मैम आई हैड कॉपी. ओके गुड. देखिए टुडे आज एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर क्यों जाएंगे. वो चैप्टर, इसका पहला पैराग्राफ ऑलरेडी हमने हमारा अमना अमना राइट अमना अमना ऑलरेडी राइट फॉर क्रिसमस टीचर्स डे सेलिब्रेशन टीचर्स डे के लिए वो अमना अमना टीचर ने वो क्लास ले लिया था. तो एक और बार वो चैप्टर वो फर्स्ट पैराग्राफ की ओर जाएंगे. एनीवन इज एब्सेंट, मेनी एब्सेंट इज वर्थ दैट डे. सो एनी डाउट इज यू कैन क्लियर इट. मैम आई वाज एब्सेंट. ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट आई विल रीड इट. देखिए ए हमारा साथ राइट या चैप्टर 7. ओके ओके, पेज नंबर 38 चैप्टर नंबर 7. हमारा पार्ट का नाम है क्रिसमस का संदेश. क्रिसमस का संदेश. तो एक बात करना चाहिए बच्चों, ऑल ऑफ यू म्यूट योर ऑडियो फॉर मी. We'll call you one by one. Many are there. मैंने कहा था ना, many are there. So, please cooperate. ठीक है बच्चों. कौन सा लेटिंग डालता है मरने में? सर्दी से नालू आई डेल लगा के डालता है मरने के लो. पंगे. मैं तो मनी तो किन माले. आह शुल्ला वर्ड्स ने मात्रा बारे में बोला. आह रहने टॉकिंग इन माले. आह यस, someone is talking in Malayalam. Don't talk in Malayalam, okay? देखिए बच्चों, हमारा पहला चैप्टर क्रिसमस का, सॉरी हमारा सेवेंथ चैप्टर क्रिसमस का संदेश. क्रिसमस का संदेश. सबसे पहले हेडिंग से शुरू करेंगे. हम स्टार्टिंग विद द हेडिंग क्रिसमस का संदेश. क्रिसमस माने हमारा क्रिसमस. मैम हमारा वन मिनट मैम, आई विल कम नाउ इटसेल्फ. ओके, देन संदेश माने क्या है? मैसेज. तो क्रिसमस का संदेश माने क्रिसमस मैसेज. मैसेज ऑफ क्रिसमस. मैसेज ऑफ क्रिसमस. मैसेज ऑफ क्रिसमस का मैसेज. ओके, ये है हमारा चैप्टर का नाम. सो इफ यू वांट टू नोट यू कैन नोट द मीनिंग. संदेश मींस मैसेज. Okay, now I'm going to read the first paragraph and I will give the explanation also. Already our hamara amna ne ye same paragraph le liya tha. Anyway, many absentees were there, so I'm going to take it one more. Listen. Is saal bhi nanne David ki aankhe bhar aayi. Is saal this year. Is saal this year. Is saal. This year, right? Amna, Amna already took this paragraph, so no need of very very explanation and all knowledge. She already took this. Is Ma'am, what happened? Okay. Dekhi. Is saal this year? Is saal this year? Ma'am, I was late to join. Is saal means this year. Nanne David, nanne small. छोटे लिटिल छोटा स्मॉल. सो व्हाट वी शुड राइट, स्मॉल और लिटिल? स्मॉल और लिटिल यू कैन. नन्ने स्मॉल योर लिटिल स्मॉल. डेविड की आंखें. डेविड हमारा चैप्टर का एक कैरेक्टर है. डेविड, तो प्लीज अंडरलाइन द कैरेक्टर नेम. डेविड की आंखें आईज. आंखें भर आई थी उनकी आंखें. आंसू वो आई ड्रॉप आई थी. मींस ड्रॉप्स. ड्रॉप्स यस. भर आना मींस क्या है? भरना मींस भरना. आंखों में वो आंसू भरना मींस टीयर्स आना. उनका आंखों में टीयर्स आना. टीयर्स आना
टीयर्स भर जाना, फुलफिल होना। डेविड अपने दोस्तों की तरह अपने माता पिता के साथ क्रिसमस पर चर्च जाना चाहता था। डेविड अपने दोस्तों की तरह लाइक डेविड क्या है दोस्त फ्रेंड लाइक हिज फ्रेंड्स दोस्तों माने फ्रेंड यू जस्ट नो द मीनिंग इफ एनी डाउट इज देयर आई विल वन मोर टाइम आई विल कोट दोस्तों माने फ्रेंड्स डेविड अपने दोस्तों की तरह अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता मीन्स अपने अम्मा और अच्छन या अपने डैड और अम्मा क्या है फादर और मदर के साथ साथ मीन्स अलोंग ALONG अलोंग अलोंग विथ हर फादर एंड मदर माता पिता के साथ सेकेंड लाइन आई एम रीडिंग माता पिता के साथ क्रिसमस पर ऑन क्रिसमस डे चर्च हमारा चर्च CHURCH चर्च जाना चाहता तो लाइक हिज फ्रेंड्स ही ऑल्सो लाइक क्या है ही ऑल्सो विश टू क्या है हमारे माता पिता के साथ अलोंग विद हिज माता पिता क्रिसमस डे में वो अपने चर्च में जाना चाहता था। सेकंड लाइन देखिए लास्ट वर्ड कितने दिनों से क्रिसमस के विशेष पेट थर्ड लाइन आई एम रीडिंग बच्चों क्रिसमस के विशेष पेट माने क्रिसमस ट्री क्रिसमस के विशेष पेट दैट इज क्रिसमस ट्री थर्ड लाइन आई एम रीडिंग क्रिसमस के विशेष पेट माने क्रिसमस ट्री पेड़ को वह अपनी माँ के साथ मिलकर वह अपनी माँ और अम्मा अपनी मदर के साथ अलोंग विद हिज मदर अपनी माँ के साथ मीन्स अलोंग विद हिज मदर थर्ड लाइन आई एम रीडिंग अपनी माँ के साथ मीन्स अलोंग विद हिज मदर मिलकर टुगेदर थर्ड लाइन ऑलमोस्ट लास्ट वर्ड मिलकर टुगेदर सजा रहा था प्लीज अंडरलाइन बच्चों सजा रहा डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड ऑल डेकोरेट करना वो है सजा रहा माने डेकोरेट करना सजा रहा था फोर्थ लाइन आई एम रीडिंग उसे पूरी आशा माने विश या होप प्रतीक्षा निश्चय ही फोर्थ लाइन आई एम रीडिंग डेफिनेटली इस बार दिस टाइम माँ के साथ उसके पापा भी बड़े दिन मीन्स बिग डे नहीं है इट्स अ ग्रेट डे क्रिसमस डे बड़े दिन मीन्स ग्रेट डे नॉट बिग डे ग्रेट डे बड़े दिन पर घर में ही होके घर माने हाउस होम हाउस नेक्स्ट लाइन उसकी आशा निराशा में बदल गई आशा मीन्स प्रतीक्षा होप
निराशा में बदल गई. व्हाट हैपेंड एक्चुअली उनका वो पापा नहीं आ गया, वो आशा निराशा हो गई. बदल बदल गई माने चेंज हो गई, आशा निराशा हो गई. देयर इज नो होप, निराशा. बदल गई माने चेंज हो गई, चेंज होना बदल होना. नेक्स्ट लाइन, क्रिसमस से 3 दिन पहले, 3 इयर्स बिफोर, सॉरी 3 डेज बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस से 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस से 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर क्रिसमस, माँ ने बताया, अम्मा ने बताया. माँ सेड, अम्मा सेड, मदर सेड. माँ ने बताया, अम्मा ने बताया, अम्मा सेड. दिस इस बार, दिस टाइम तुम्हारे पापा को, अपने अप्पा को, अपने फादर को घर आने की, होम आने की, या हमारे हाउस आने की छुट्टी, लीव. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन. छुट्टी माने लीव. नहीं मिली मींस ही डिडंट गेट लीव. छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी माने लीव. Now I'm going to read the paragraph and I will give the explanation, then I will give chance for asking any doubts and all, okay? इस साल भी नन्हे डेविड की आंखें भर आई. This year also what happened? वो नन्हे डेविड, वो छोटा, वो small, वो little डेविड की आंखें, उनकी eyes भर गई. He is crying. डेविड अपने दोस्तों की तरह अपने माता पिता के साथ क्रिसमस पर चर्च जाना चाहता था. एवरी ईयर उनका विश क्या है, उनकी अम्मा और अप्पा के साथ क्रिसमस डे में चर्च जाना है. कितने दिनों से क्रिसमस के विशेष पेड़ को वह अपने अम्मा के साथ, माँ के साथ मिलकर सजा रहा था. वो और हमारा डेविड और उसकी अम्मा ने टुगेदर दे आर डेकोरेटेड द ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज एंड ऑल. उसकी पूरी आशा दी, डेफिनेटली निश्चय ही इस बार माँ के साथ पापा भी बड़े दिन में घर में आए होंगे, में ही होंगे. डेफिनेटली क्या है, उनके मन में एक प्रतीक्षा दी. दिस ईयर क्या है, अप्पा भी, वो फादर भी दिस ईयर क्रिसमस डे में मेरे साथ होंगे. उसकी आशा निराशा में बदल गई. दिन व्हाट हैपेंड एक्चुअली, उनकी पापा को लीव नहीं मिला, ही डिडंट गेट लीव, छुट्टी नहीं मिली. तो क्या हो गया, वो 3 डेज, 3 डेज पहले, 3 डेज बिफोर वो अम्मा ने बताया, हाँ अप्पा नहीं आएगा, बिकॉज अप्पा को वो छुट्टी नहीं, इसलिए वो अप्पा नहीं आएगा. तो हमारे क्या है, डेविड को बहुत सारे दुख हो गया क्योंकि अप्पा नहीं आ गए. उनके मन में एक प्रतीक्षा दी क्या है, हाँ दिस ईयर अप्पा, डेफिनेटली अप्पा विल कम. ओके, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. Okay, any word is doubt? No, ma'am. Yes. No, it's ma'am. It's already week of word. No, ma'am. Samnane that day already. Some children were absent. Na. That's why I'm yes. Ma'am, Asha, Nirasha are opposites. Yeah, Asha, Nirasha. Asha means hope. Nirasha means there is no hope. Asha, Nirasha mein ho gayi actually. Wo happy, dukh mein ho gayi. आशा निराशा में बदल गई, चेंज हो गई. आई थिंक द फर्स्ट पैराग्राफ इज ओके राइट. यस लिया मैम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बदल? बदल 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 चेंज, बदल बदल गई, चेंज होना, चेंज. मैम इन द फोर्थ पैराग्राफ आशा इज विश. फोर्थ लाइन राइट. हां वो विश, विश विश. And the one more Asha is the Pratiksha. Hope. That's hope. Okay. Ma'am, yes. What is the meaning of Nishchay? Nishchay means definitely. Nishchayhi. Nishchayhi. Okay. Ek word hai. Definitely. Ma'am, we can go to the next paragraph. I think we can move to next paragraph. Before that, Manu, can you read this paragraph? Others, please mute your audio. Is Salvi...
नन्ही डेविड के आंखें पर आई थी। डेविड अपने दोस्तों की तरह ही अपने माता पिता की साथ क्रिसमस पर चर्च जाना था। कितने दिनों से क्रिसमस के विशेष नाम दर सकार नाम क्रिसमस पेट को क्रिसमस के विशेष पेट को वह अपनी माँ की साथ मिलकर सजा रहा था। उसकी पूरी आशा थी कि निश्चय ही इस बार माँ के साथ उसके पापा भी बड़े दिन पर घर में ही होंगे। उसके आशा निराशा में बदल गई जब क्रिसमस दिन से 3 दिन पहले माँ ने बताया कि इस बार भी तुम्हारी पापा को घर आने की छुट्टी नहीं मिली है। ओके, थैंक यू मनु। ओके बच्चों, आई थिंक वी कैन मूव टू एनी व्हाट वन चाइल्ड समथिंग व्हाट हैपेंड। ही मिस्ड वन वर्ड। ओके ओके, देखिए बच्चों, आई एम मूविंग टू सेकंड पैराग्राफ। ओके तो देखिए। ओके मैम। First, I will give the explanation, then all of you meet your audio. Otherwise, very difficult. Together, don't ask any doubts. Okay. Second paragraph. David ke pita Mr. James dusre shahar mein kapdon ki ek factory mein suraksha karmi. David ke pita, unka bapa, unka father, Mr. James, please note the name. James. I have to underline it. Sure. Please note the name. Please underline. Mr. James. Dusre shahar mein, ek city mein. Another city mein. Town mein. Kapdon ki. Shahar mane kya hai bachcho? Shahar mane? City ya town. Mein kapdon ki. Kapdon mane kapda dress. Ma'am, can you say second paragraph from the first one? From the first? Yeah. David ke pida Mr. James. Unka naam, Mr. James. Wo pida ka naam. Dusre shahar maane another city, another wo shahar. Shahar maane city ya town. Me kapdon ki, kapda, dress. एक फैक्ट्री, हमारा इंग्लिश का फैक्ट्री है, फैक्ट्री। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। फैक्ट्री, हमारा इंग्लिश का फैक्ट्री है, कपड़ों की एक फैक्ट्री। ओके, अब हम इसे सेकंड लें। फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मी माने सिक्योरिटी ऑफिसर। All of you, meet your audio, bachu. Meet your audio. Security. Suraksha karmi hai. Security officer. Uski ma. Amma. Please underline the name. Rosie. Rosie. Uski amma. Rosie. Ma'am, can you mute everyone? Someone is not muted. That's a main problem. Okay, देखिए, उसकी माँ रोजी एक दफ्तर में काम करती है।
उसकी माँ, प्लीज नोट द नेम, प्लीज अंडरलाइन द नेम, रोसी, एक दफ्तर में, एक ऑफिस, दफ्तर, ऑफिस, दफ्तर माने ऑफिस, काम करती है, काम, जॉब, उनका काम वहां है, एक ऑफिस में है। मैं वो नहीं समझ रही, काम, जॉब, काम, जॉब, जे ओ बी, जॉब करती है। डेविड की पढ़ाई, डेविड की स्टडीज, पढ़ाई, स्टडीज, पढ़ाई, स्टडीज, थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड, उनका स्टडीज किसी शहर में, उनका स्टडीज किसी शहर में, शहर माने क्या है बच्चों, सिटी, किसी शहर में, भली प्रकार, भली मीन्स गुड, गुड वे, भली प्रकार में गुड वे, जी ओ ओ डी, गुड वे, डब्ल्यू ए वाई, गुड वे चलती रहे, चलती रहे मीन्स इट्स गोइंग, going well, उनका studies and all going well, इसलिए, please so, वह दूसरे शहर में पिताजी के पास नहीं रहती, वो दूसरा problem, क्या है, actually उनका studies and all एक शहर में है, वो रहने वाले भी एक शहर में है, तो उनका पापा दूसरे शहर में काम करते हैं, right, इसलिए वे एक साथ नहीं, देखिए इसलिए वह दूसरे शहर में पिताजी के पास, पिताजी के पास माने फादर के पास नहीं रहती, रहना माने क्या है बच्चों, लीव, टू लीव, रहना, टू लीव, एक और बात देखिए, पास मींस नियर, 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 तो टिल हियर, एक और बात देखिए, ओके, आफ्टर दैट कोई डाउट है तो पूछना है, नेक्स्ट क्लास में लास्ट थ्री लाइंस देखेंगे, आज एक और बात देखिए, डेविड के पिता मिस्टर जेम्स, आई एम रीडिंग वन मोर टाइम द सेकंड पैराग्राफ, देखिए, डेविड के पिता, डेविड का फादर, उनका फादर, उनका नाम क्या है, मिस्टर जेम्स, दूसरे शहर में, दूसरे का अनदर क्या है, सिटी टाउन में, एक कपड़ों की, ड्रेस की फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मी है, व्हाट अबाउट अम्मा, अम्मा रोजी, उनका नाम क्या है, रोजी, रोजी, काम क्या है, दफ्तर, एक दफ्तर, दफ्तर, हाँ दफ्तर में काम करती है, दफ्तर में काम, ऑफिस में, एक ऑफिस में काम करती है, उसका नाम है, उसका रोजी है, अम्मा के, देन डेविड की पढ़ाई, डेविड की पढ़ाई द सेम सिटी में है, अच्छी तरह, इट्स गोइंग वेल, दफ्तर, डेविड स्टडीज आर गोइंग वेल, छोटी, डेविड की पढ़ाई इसी शहर में भली प्रकार चलती रहे, मगर व्हाट हैपेंड, हु इज रीडिंग दिस, नंदिता, व्हाट हैपेंड, हां ओके, इसलिए वह दूसरे शहर में पिताजी के पास नहीं रहती, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, उनका पिताजी नेक्स्ट सिटी में है, अनदर सिटी, अनदर शहर में है, तो दे कांट लिव टुगेदर ना, बिकॉज वो उनका अम्मा भी काम करते हैं, तो उनका क्या है, वो उनका पढ़ाई भी एक अनदर सिटी में है, सो दे आर नॉट टुगेदर, देखिए बच्चों, टिल हियर इनफ, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो टिल हियर यू कैन रीड, नंदिता स्टेप करो बेटा, डेविड के पिता, सेकेंड पैराग्राफ नंदिता, टेक्स्ट बुक इज नंदिता, नो मैम, नो, देन रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेविड के पिता मिस्टर जेन दूसरे शहर में कपड़ों की एक फैक्ट्री में शुरू सुरक्षा करनी है उसकी में माँ उसकी माँ
पड़ोसी एक दफ्तर में काम करती है। डेविड की पढ़ाई इसी शहर में भाली पिताजी के पास रीड करो बेटा पिताजी के पास पिताजी के पास मैं ही प्रकार चलती हूँ ली मैम डेविड की पटाई इसी शहर में भली प्रकार कंटिन्यू भली प्रकार थर्ड लाइन इसी शुरू में भूली भली प्रकार चलती रहे इसलिए वह दूसरे शहर में पिताजी के पास नहीं रहती enough enough till here we discuss right okay yeah who is that who is this Angelina okay Angelina read kar beta David ke pita Mr. James दूसरे शहर में कपड़ों के एक एंजेलिना डिया टेक्सटबुक इज यस मैम रीड कर कपड़ों की एक फैक्ट्री में सुरक्षा कमांडर है कर्मी है उसके माँ रोसी एक दफ्तर में काम करती है डेविड की पढ़ाई इसी शहर में बली पाकर चलती रहे बली प्रकार चलती रहे इसलिए वह दूसरे शहर में पिताजी के पास नहीं रहते ओके थैंक यू बच्चों एक बात करना चाहिए हमारा ये टू पैराग्राफ नॉट कम्प्लीटेड डिस्कस वो अच्छी तरह रीड करके आना चाहिए नेक्स्ट क्लास ओके मैम ओके मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय मैम